कहाँ से बात कर रहे हो भाई? भाषा टाइम से बात कर रहा हूँ भाई। अभी आपका एक स्टेटस में आपका नंबर देखा, बोलते मैं आपको कॉल करा। जी मिस्टर साहब का मैं एक ऑडियो सुना था, उसमें आपका नंबर लिखे हुआ था, तो मैं आपको कॉल करा। अब मैं स्विगी में काम करता हूँ, तो अभी क्या हुआ बोले तो आप पूरे को गाड़िया रोक ले रहे हो भाई। स्विगी चालू है मगर हम लोग डिलीवरी देने आए तो पुलिस वाले पकड़ ले रहे, 1000 रुपए का चालान डाल ले रहे और बोलते रहे कि सबको बंद है। और इंस्टेंट सडनली बिना ऐसा कुछ भी वो बोल के कल रात में कुछ भी हमारे को नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। सुबह हम लोग निकले कामों को, निकलते कि भाई सीधा एकदम ये गाड़िया पकड़ ली है। हम तो अच्छा यहाँ पर नहीं बोल के भी 70 से 80 गाड़िया पकड़ ली है रोड नंबर 12 इंश्योरेंस ऑफिस पे। अच्छा स्विगी वालों के लिए भी जो है सो पकड़ लिया लोग। स्विगी जोमेटो सबके लिए पकड़ ले, किसको भी नहीं, पूरे बच्चों को पकड़ लिया। और ज्यादातर खाई स्विगी जोमेटो को पकड़े भैया। वहाँ पर हम लोग देख रहे, दूसरे लोग आ रहे, परमिट बता रहे चल जा रहे, क्या क्या पासा बता रहे चल जा रहे, मगर स्विगी जोमेटो को तो छोड़े ही, सबके चाबियां खींच लिए, 1000 रुपए का चालान डाल दिए, गाड़ी सीज बोल के बोल दिए। नहीं आप जो बोल रहे हैं, मगर ये रोड पे तो मेरे सामने तो कई जनों को छोड़ दिए हमारे पास, तो यहाँ पर भैया ये सेकंड रोड पे। नहीं भाई यहाँ पर, और हम लोग वहाँ पर पूरे ठहरे थे, एक सर्कल साहब थे वहाँ पर, हम लोग पूरे खड़े थे, तो उन्होंने एक वीडियो बता दिए, बोले कि ये देखो साइबराबाद का है, साइबराबाद के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो आके कमिश्नर है उन्होंने खड़े हुए थे, और DRF के थोड़े एम्प्लॉयज थे, उन लोग सीधा स्विगी वाले के बंदों को मार रहे थे लाठी से, तो उन्होंने वो वीडियो बताए, देखो ये ऐसा मैं करूँ क्या, बोल के पूछे उन्होंने, नहीं करते तो आप सजना घर पे बोल के बोले। सर का वीडियो है ना वो। हाँ वो प्रेजेंट वीडियो है, पुराना वीडियो है नहीं मालूम भाई मेरे को, मगर इतना है कि वो वीडियो बता के उन्होंने खाली इतला करे कि भाई ऐसा हम लोग ऐसा एक्शन लेना गया, प्यार से बोल रहे हैं आप लोग घर को चल जाओ, आपके गाड़िया सीज हो गए बोल के बोले खुला। तो घरों को सबको भेजा जाए, कितने की बच्चे तो ओल्ड सिटी के थे, पैदल पैदल घर से बच्चे। तो आप मैं आपकी क्या हेल्प करूँ बोलिए। बस यही है कि बात आप बात करिए जरा ऊपर किससे भी, मतलब KCR साहब को रखिए, हम लोग आप घर में भाई क्या देना क्या कमाना, पहले पहले से बंद है, कामा छूट गए से है, ये कर रहे से है, मैं रिटेल फील्ड का लड़का हूँ, काम छूट गया बोल के मैं स्विगी चला रहा हूँ, स्विगी में 2 पैसे कमा ले रहे भाई 12 घंटा चला लेके, अब वो भी बंद कर दिए बोले तो भाई अब कैसा कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या रेंट देंगे, क्या सही है आपकी बात, सही है बिल्कुल सही। इंशाल्लाह मैं आपकी बात देखो को कोरोना देख से डर नहीं लग रहा भाई, कोरोना से नहीं मरने का डर लग रहा, भूखमरी से मरने का डर लग रहा मालूम भाई, अब का टाइम ऐसा हो गया सो खाने को पैसे नहीं है मालूम भाई, ये चला लेंगे 2 पैसे आके खा लेंगे बोल के घर में वो चला ले रहे थे भाई। मैं एजुकेटेड बंदा हूँ अच्छा खासा, मेरी जॉब छूट गई लॉकडाउन की वजह से, हाँ अब ये खुले बाद भी कब जॉब लगती नहीं मालूम, तो भी मैं स्विगी कर रहा हूँ, 2 पैसे आ रहे बोल के कर रहा हूँ। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भाई मैं वेल एजुकेटेड हूँ मैं नहीं कर रहा बोल के, मैं कर रहा हूँ कि मेरे को घर के लिए पैसे लेना है, मगर भाई अब आज का टाइम अभी का ऐसा हो गया कि अब ये भी रुका कि अल्लाह गवाह है भाई हम कुछ गलत काम नहीं करे, मेरा लाइसेंस RC कैरी, मैं 1 सेकंड के लिए भी हेलमेट नहीं उतारा हूँ, पूरा मैं फॉलो करके चला रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके, ना रॉन्ग रूट मार रहे, कई जगह पे सिग्नल लगाए तो सिग्नल फॉलो कर रहे, कैमराज भी देख सकते, एक फोटो नहीं है उतना फॉलो करके हम हमारा काम कर रहे हैं, क्यों लॉकडाउन है, लॉकडाउन का गलत फायदा नहीं उठाना बोल के हम काम कर रहे हैं 2 पैसा आना बोल के, मगर सही बात है आपके। अब इसके ऊपर भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, कुछ भी नहीं आ रहा ना भाई। बस बोलने का मेरा यही है कि आप ये क्या है पॉइंट को रखिए, रख के KCR साहब कर रखिए, KTR साहब है, असदुद्दीन साहब है, पूरों के पास रख के ये इसको आगे बढ़ाइए भाई, कुछ भी करके हमारा कुछ तो भी एक खोलिए, कुछ ना एक जरिया तो खोलना है। अब जितना रूमर्स है नहीं है नहीं मालूम भाई, 30 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने वाला है बोल के बोल रहे, अगर अल्लाह ना करे नहीं भी बढ़ा बोले तो भाई 2 से 3 महीना तो और लगेगा जॉबों की हालत सही होने के लिए, हाँ तब वो तक तो है, वो तो है, तो फिर जॉब हालात नहीं जगती नहीं मालूम, अब ये अब गिने चुने अब जो दिन बचे हुए हैं वो कैसा जाना भाई, और बिल्कुल ये सही बात भाई डेली करे तो हाथ में पैसे आ रहे सो है, है। नहीं एक दिन भी बढ़ गए तो उस दिन क्या पैसे नहीं आते, जॉब था बोले तो क्या है लीव में कड़े लीव बोल के अब बैठ सकते थे अपन, अब ये ऐसा है कि नहीं करे तो जॉब पैसे भी नहीं आ रहे। अब मैं कब से 12 बजे लॉग इन करा था
उसके बाद बंद करके फिर के इन लोग को पूछ पूछ के, हालांकि मैं कितने की सर्कलों से बात करा, एसआईओ से बात करा, कॉन्स्टेबलों से बात करा, सब जने एक ही बोले चल जाओ बाबू। सबको मैं मैसेजा बता रहा था, देखो हमारे को परमिशन है, परमिशन है, हमारे को कुछ नहीं मालूम बोल के एक ही बात बोल रहे थे लोग। हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया कि पकड़ना बोल के, हालांकि हमारे आंख से देखे हम लोग कितने के लोग काड़ा बता दे रहे चल जा रहे, को ये बता दे रहे चल जा रहे, मगर स्विगी जोमेटो को रोक दे रहे। अब जाके स्विगी वाले ने 1 घंटे पहले मैसेज डाला के टेम्पररी या ड्यूटी हैज बीन स्टॉप बोल के मैसेज डाला खाली। हम ऑनलाइन करते कि हमारे को ऑर्डर गिर जा रहा भाई। अब मैं ऑनलाइन करा तो मेरे को ऑर्डर रेस्टोरेंट का गिर रहा ही। अब आप भी बैठ के ऑनलाइन करो, आपको रेस्टोरेंट आपको दिखा रहा। हाँ हाँ मैं भी एक दो बार मंगाया था, आ रहा है ऑर्डर तो आ रहे, डिलीवरी हो रहा है सर, आ रहे तो हम खोल रहे ना भाई, हम हमारे जानबूझ के तो हम नहीं फिर रहे, ऑर्डर दे रहा बोल के ही हम खोल रहे। सही है। अब वो ऑर्डर के लिए हम निकल रहे, हमारी गाड़ी जब्त कर ले रहे, हमारे को चालाना डाल दे रहे, बड़े बड़े चालाना डाल दे रहे, क्या करेंगे भाई। पहले परसों मेरे को ऐसी चालान डाल दिए विदाउट कैरिंग लाइसेंस। अब अपने का आरटीएम वॉलेट बोल के दिए, मेरा 2 बार वॉलेट घूम गया भाई। हाँ मेरे कार्डा घूम गया, मैं ओरिजिनल लाइसेंस तो नहीं रखा था, कॉपी रखा था, तो मैं आरटीएम में रख के फिर रहा था, तो विदाउट कैरिंग लाइसेंस बोल के मेरे को 300 रुपए का चालान डाल दिए, तो भी मैं चुप बैठ गया, चलो कोई बात नहीं बोल के। मगर मेरा लाइसेंस आरसी सब कुछ मैंने मेरा आरटीएम वॉलेट में A to Z बताया था मैं उनको, फिर भी मेरे 300 रुपए का चालान डाल दिए के ये विदाउट कैरिंग लाइसेंस बोल के। अच्छा। फिर भी मैं खामोश बढ़ गया, चलो अपनी गलती बोल के मैं खामोश बढ़ गया, कैरी करूंगा। अब ऐप निकाले, आप ही निकाले ना, मैं अपने आप से तो ऐप नहीं बनाया, वो ऐप बना स्टडी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अगर बारिश में भीग गए कुछ भी हो गए तभी इसलिए ऐप बनाए। ऐप बोले तो है बोल के ऐप बनाए ना, फेक तो ऐप में नहीं डाल सकते अपन, तो नहीं तो ऐप ही बर्खास्त कर डालो। आप चालान मानना ही था तो ऐप बर्खास्त कर डालो, ऐप रखने का क्या फायदा है? तो हम कैरी करके फिरेंगे भाई, पॉइंट ऑफ बहुत आ रहे हैं मालूम, मगर आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। मर रहा कौन? गरीब आदमी मर जा रहा, कोरोना से कम भूखमरी से मर रहा मालूम भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम जो है हम जितना हो सके कोशिश करेंगे आपकी आवाज को जो है सो जरूर जो है सो तेलंगाना हुकूमत तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितने रोजगार मर रहा के जो लोग काम कर रहे हैं स्विगी जोमेटो में, जो जो भी फूड डिलीवरी के लिए है, जरूर हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं तो जो हो सकता मैं बिल्कुल जो है सो मैं से कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारा हम लोग जो है सो गैर जरूरी लोगों को ही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपकी आवाज इंशाल्लाह पहुंचेगी। हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को रिज़्क के दरवाजे खोले, और अल्लाह चाहे तो आप लोगों के मसले जो भी है जल्द से जल्द जो ऐसे ही होंगे, क्योंकि कोरोना ऐसी वबा चल रही है दुनिया में। लोग खाना तो खा ले रहे मगर उसकी वजह से कौन जिंदा रहता कौन मरता ये नहीं मालूम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मैं जितना हो सके उतना चैनलों में भेजता हूँ आपकी आवाज को, ये इंशाल्लाह जो है सो जरूर कोई ना कोई सुन के अवाम जो भी इसे सुन रहे हैं इसे फॉरवर्ड भी करके जो है सो हो सकता आप लोगों के लिए मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।